आज हम स्लाइड बनाने वाले हैं बैक्टीरिया की स्लाइड, और एक तरीके से आपके कंटेंट का हिस्सा भी है, क्योंकि जो मतलब आपने जो देखा है मोनेरा प्रोटिस्टा जो देखे हैं ना, उसमें मोनेरा वर्ग के सदस्य होते हैं। तो अब इस स्लाइड को बनाने के लिए हमारे पास जिस जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है पहले वो डिस्कस करते हैं। हमें चाहिए सबसे पहले मटेरियल जिसके रूप में हमने दही लिया है, ठीक है। इसके बाद इसको स्टेन करने के लिए आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट, वॉयलेट कलर का स्टेन है, और ये जो है ग्राम सायोडीन है, ये एल्कोहल है, और ये काउंटर स्टेनिंग के लिए सेफ्रेनिन है। इतना है। इसके अलावा आपके पास स्लाइड्स हैं और माइक्रोस्कोप आपको चाहिए। इतनी चीज़ें आपको चाहिए। तो इसमें जो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस्टल वॉयलेट से जब हम उसे स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद जब हम ये डालते हैं ग्राम सायोडीन, तो स्टेन थोड़ा और डार्क हो जाता है। उसके बाद जब हम अल्कोहल में डिप करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो तो उस स्टेन को रिटेन किए रखते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें से वो स्टेन बाहर निकल जाता है। तो जिसमें से बाहर निकल गया स्टेन फिर वो तो दिखेंगे ही नहीं, तो उनको दिखाने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? सेफ्रेनिन। तो हमारी जो स्लाइड होगी उसमें ग्राम पॉजिटिव तो हमें ये पर्पल से कलर के दिखेंगे, और ग्राम नेगेटिव जो है हमें पिंक कलर के दिखेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया आपको इसमें दिख सकते हैं। अब इसकी स्लाइड बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। थोड़ा आपको आपको जैसे स्लाइड को पकड़ना है तो इस तरीके से आप स्लाइड को पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ आपने जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है बैक्टीरियल सॉल्यूशन, आप ये तो हमने दही लिया है, इसके अलावा आप कोई भी मतलब माउथ के माइक्रोफ्लोरा को भी देख सकते हैं। प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है। ये आपने ऐसे लेना है और इसको इस तरीके से दोनों स्लाइड्स ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। बस इस तरीके से आपको स्मियर इस पे बना लेना है। जब ये स्मियर बन जाएगा, अब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है बहुत हल्की परत आई है या मोटी। कोई बहुत ज़्यादा कई बार क्या है कि आप लोग लालच करके गहरी परत बना लेते हो, तो गहरी परत बनाना सही नहीं है। गहरी परत बनाओगे तो आपको सही नहीं दिखेंगे। अब इसको एयर ड्राई करते हैं, हम एयर के अंदर थोड़ी देर हम ऐसा करेंगे। तो एयर ड्राई करना क्यों ज़रूरी है? ताकि बैक्टीरिया की जो छोटी परत बनी है, बहुत पतली परत बनी है, वो परत बिल्कुल इसके ऊपर वो बैक्टीरिया पूरी तरीके से चिपक जाए। देखिए थोड़ी थोड़ी ये सूखनी शुरू होगी स्लाइड, ठीक है। तो आप स्लाइड जो है वो इस तरीके से एयर ड्राई करें, थोड़ी देर और एयर ड्राई करेंगे। जितने हम एयर ड्राई कर रहे हैं हम स्टेन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर, सबसे पहले आपको जो है इसके ऊपर स्मियर बनाना है। स्मियर बनाने के बाद आपको क्रिस्टल वॉयलेट में डिप करना है। क्रिस्टल वॉयलेट में डिप करने के बाद कुछ ड्रॉप्स आपको ग्राम सायोडीन की डालनी है। उसके बाद आपको एल्कोहल में डिप करना है। एल्कोहल में डिप करने के बाद आप उसे जो है सिंपल वाटर में डिप कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप सेफ्रेनिन डाल सकते हैं। फिर उसको जो है आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ग्राम पॉजिटिव आपको पर्पल कलर के और ग्राम नेगेटिव आपको पिंक कलर के दिखाई देंगे। यही प्रोसीजर आपको अपनी फाइल के अंदर लिखना है, ठीक है। फाइल के अंदर आप रिक्वायरमेंट्स के अंदर जितना भी यहाँ मटेरियल पड़ा है आपके पास, ग्लास स्लाइड्स, कार्ड, पैटरी प्लेट, सेफ्रेनिन, एल्कोहल, ग्राम सायोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। तो अब ये हमारी ये स्लाइड देखिए आप लगभग सूख चुकी है, ठीक है। यहाँ का पोर्शन थोड़ा गीला पड़ा है, उसके में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम इसको सीधा ही डिप कर लें, तो उसमें क्या है स्टेनिंग ढंग से हो जाती है। अब ये पूरा स्टेन हो गया एक तरीके से। स्टेन हो गया है। एक बीकर में आप पानी ले आइए बेटा, वहाँ से वहाँ पड़ा होगा बीकर, एक बड़ा बीकर पड़ा है ना, वो ले आइए पानी। इसको थोड़ी सी देर इसको भी एयर ड्राई करना चाहिए। आधा बीकर भर ले आइएगा, है इसको भी सुखाना पड़ता है। हाँ सुखा लेना चाहिए, बहुत अच्छी स्लाइड बनती है।
नहीं तो क्या करते हैं हम, ज़्यादा गीले में ही अगर उसको बार बार हिलाते रहें तो उससे क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया की जो लेयर है वो वॉश आउट हो जाती है। अब आपने इसमें कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो है ग्राम्स आयोडीन जो है इसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं इस तरीके से, ताकि वो एक तरीके से यूनिफॉर्मली फैल जाए। इसको आपको ध्यान रखना है कि आपके ये हाथ वगैरह के ज़्यादा टच ना हो, नहीं तो इसका क्या कलर ऐसा बैठ जाता है कि आपको स्किन में कई बार इरिटेशन भी कर देता है। ये कर लिया, इसके बाद आपको किस में डिप करना है? एल्कोहल में। एल्कोहल में डिप करने के बाद दो तीन बार आप डिप करें और इसको निकाल लें, ठीक है। डिप करने के बाद आपने वापस पानी में डिप कर लेना है, ठीक है। ये क्लीनिंग हो गई। इसके बाद आपको इसके ऊपर सेफ्रेनिन काउंटर स्टेन के रूप में डालना है। आपको स्लाइड का ओरिएंटेशन जरूर ध्यान में रखना है कि स्लाइड, पता चले आपने स्मियर दूसरी साइड बना रखा है और आप स्टेन दूसरी साइड पे किए जा रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइड का ओरिएंटेशन भी किस साइड में आप रखेंगे, ओरिएंटेशन का आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब आपके लिए ये स्लाइड तैयार हो गई। इसको थोड़ा आप चाहें तो एयर ड्राई कर लें। अब इसको हम जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर बैक्टीरिया वगैरह सारे दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्रोसीजर में यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्लाइड पे स्मियर बनाना है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के बाद उसको क्रिस्टल वॉयलेट में डिप करना है। क्रिस्टल वॉयलेट में डिप करने के बाद थोड़ा सा ड्राई करके इसको आपको ग्राम आयोडीन की ड्रॉप्स डालनी है। ग्राम आयोडीन की ड्रॉप डालने के बाद आप इसको एल्कोहल में डाल लें, फिर आप इसको पानी में वॉश कर लें। पानी में वॉश करने के बाद आपने सेफ्रेनिन डाल देना है। सेफ्रेनिन डालने के बाद आपको वापस वॉश करके इसको थोड़ा सा एयर ड्राई कर लेना है और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। स्लाइड बनाने के बाद इसमें आपको कोशिश करनी है कि कुछ रोड शेप स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको छोटी छोटी, उन पर आप कंसंट्रेट करेंगे। और उसको अगर आप हायर पावर में देखेंगे तो आपको रोड शेप बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको रोड शेप, ये बेसिलस बैक्टीरिया है। ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट सोनू की स्लाइड है, इसमें बैक्टीरिया काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। ये स्टूडेंट अनुराधा की स्लाइड है, बहुत अच्छे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, कई बैक्टीरिया इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये स्टूडेंट चंचल की स्लाइड है, इसमें भी बैक्टीरिया काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये स्टूडेंट किरण की स्लाइड है, जिसमें बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस यीस्ट भी बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। स्टूडेंट सोनिया की स्लाइड है, जिसमें बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, कुछ फंगस के भी रिमेन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट रोहित की स्लाइड है, जिसमें बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस भी दिखाई दे रही है।